गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय शॉर्टकट मेथड। इसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, ये एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स गिवन है, हमें ये वैल्यूज दी गई हैं, एक्स की वैल्यूज भी दी गई हैं एंड वाई की वैल्यूज भी दी गई हैं। तो एज्यूम्ड मीन मेथड का मतलब है कि सबसे पहले हम एक्स और वाई दोनों में से एक वैल्यू एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं जो कि मीन है। जैसे कि हमने x में से 5 को a लिया है एंड y में से 7 को a लिया है। x में से 5 और y में से 7 को a यानी कि एज्यूम्ड मीन लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट dx। व्हाट इज dx? x माइनस a। हमें x की सारी वैल्यूज में से a यानी कि 5 को माइनस करना है। जैसे कि 2 माइनस 5 माइनस 3, 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 5 0, 10 माइनस 5 5, 12 माइनस 5 7, 20 माइनस 5 15। तो आप देख रहे हैं जो नंबर्स 5 से छोटे थे dx नेगेटिव आया है और जो नंबर्स 5 से बड़े थे ये dx पॉजिटिव आया है। तो अब हम इसको आपस में प्लस माइनस करके सारा जब कैलकुलेट करेंगे, माइनस वाले आप अलग से ऐड कर लो और प्लस वाले अलग से ऐड करो, तो ये आ जाएगा माइनस 4 और सॉरी ये आ जाएगा 27। तो 27 माइनस 4 आ गया हमारे पास, समेशन dx 23। अब हम dx का स्क्वायर करते हैं, इन्हीं वैल्यूज को स्क्वायर करते जाना है, मतलब इन वैल्यूज को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना है। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड 15 का स्क्वायर है 225। तो अब इसका जब हम टोटल करते हैं समेशन डी एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाता है 309। नाउ dy क्या है, y माइनस a, यानी कि y की सारी वैल्यूज में से हमें 7 को माइनस करना है। जैसे 3 माइनस 7 माइनस 4, 6 माइनस 7 माइनस 1, 7 माइनस 7 0, 8 माइनस 7 1, 9 माइनस 8 2, 10 माइनस 7 3। तो अब हम जब इसको टोटल करेंगे, 4 एंड 1 माइनस 5 आ गया, 3 टू 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 5 आ गया 1, समेशन dy इज 1। नाउ dy स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 1 स्क्वायर 1, फिर से 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9। जब इसका टोटल करते हैं समेशन dy स्क्वायर, दैट इज 31। लास्ट स्टेप इज dx इंटू dy, यानी कि dx और dy इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। माइनस 3 इंटू माइनस 4 12, माइनस 1 इंटू माइनस 1 1, 0 इंटू 0 0, देन 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 2 14, 15 इंटू 3 45। तो आप देखो इस तरह से dx dy का टोटल करेंगे तो समेशन dx dy विल बी 77। तो इसके बाद ये कैलकुलेट करने के बाद अब हम फॉर्मूला लगाते हैं r, स्मॉल r दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू n इंटू समेशन dx dy माइनस समेशन x इंटू समेशन dy डिवाइडेड बाय अंडर रूट, होल का अंडर रूट है ये, n इंटू समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n इंटू समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर। और आप देख रहे हैं ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाली फ्रैक्शन है वो सारी हमारी किस में है, अंडर रूट में। तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, n यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है 6, 6 इंटू समेशन dx dy था 77, समेशन dx 23 एंड समेशन dy इज 1। तो 6 इंटू 77 माइनस 23 इंटू 1
नाउ 6 इंटू समेशन dx स्क्वायर इज 309 माइनस समेशन dx 23 का होल स्क्वायर इंटू 6 इंटू समेशन dy इज 31 एंड समेशन dy स्क्वायर इज 31 एंड समेशन dy 1 का होल स्क्वायर। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं 77 इंटू 6 इज 462, 23 इंटू 1 23, 6 इंटू 309 1854 एंड 23 का होल स्क्वायर 529। इन दोनों को माइनस करेंगे इंटू 6 इंटू 31 136, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 439 अपॉन अंडर रूट 1325 इंटू 185। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आई है इसका हम अंडर रूट निकाल लेते हैं तो 439 अपॉन 491.5, तो हमारा आंसर आ जाता है 0.8866। यू कैन राइट इट एज 0.887।